मोदी जी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव। ज्योतिरादित्य सिंधिया, कई वरिष्ठ महानुभावों ने चर्चा को प्राणवान बनाया, कई पहलुओं को उजागर करने का प्रयास किया है और मैं इसके लिए चर्चा में शरीक होने वाले सभी आदरणीय सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं। कल भूकंप आया, इस भूकंप के कारण जिन जिन क्षेत्रों में असुविधा हुई है मैं उनके प्रति अपनी भावना व्यक्त करता हूं और केंद्र सरकार राज्य के पूरे संपर्क में है, स्थिति में कोई आवश्यकता हो तो कुछ टीमें वहां पहुंच भी गई है। लेकिन आखिर भूकंप आ ही गया, मैं सोच रहा था कि भूकंप आया कैसे, क्योंकि धमकी तो बहुत पहले सुनी थी। कोई तो कारण होगा, धरती मां इतनी रूठ गई होगी, कल्याण जी आपका सियाप ठीक हो रहा है, आपका कल्याण होगा। प्लीज प्लीज नो नॉट लाइक दिस नथिंग इज प्लीज प्लीज कल्याण जी दिस इज नॉट द वे। बैठिए बैठिए बैठिए। यस कल का भूकंप प्लीज ये ठीक नहीं बैठे बैठे दिस इज नॉट द वे। क्या है ये, प्लीज थोड़ी शांति नाउ आई एम वार्निंग यू, ऐसा मत करो प्लीज। कल आपने भी अच्छा भाषण दिया, सबने सुना, नाउ आज बिल्कुल शांति से। हाँ तो आप बैठिए प्लीज प्लीज बैठिए। नाउ प्लीज टेक योर सीट। यस आदरणीय अध्यक्षा जी, मैं सोच रहा था कि आखिर भूकंप आया क्यों। जब कोई स्कैम में भी सेवा का भाव देखता है, स्कैम में भी नम्रता का भाव देखता है, तो सिर्फ मां नहीं धरती मां भी दुखी हो जाती है और तब जाकर के भूकंप आता है। और इसलिए राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में जनशक्ति का ब्यौरा दिया है,
हम ये जानते हैं कोई भी व्यवस्था हो, लोकतांत्रिक हो या अलोकतांत्रिक हो, जनशक्ति का मिजाज कुछ और ही होता है। कल हमारे मल्लिकार्जुन जी कह रहे थे कि कांग्रेस की कृपा है कि अब भी लोकतंत्र बचा है और आप प्रधानमंत्री बन पाए। वाह, क्या शेर सुनाया। बहुत बड़ी कृपा की आपने इस देश पर, लोकतंत्र बचाया। कितने महान लोग हैं। लेकिन अध्यक्षा जी, उस पार्टी के लोकतंत्र को देश भली भांति जानता है। पूरा लोकतंत्र एक परिवार को आहूत कर दिया गया है। और 75 का कालखंड, माननीय अध्यक्षा जी, 75 का कालखंड जस देश देश पर आपातकाल थोप दिया गया था, हिंदुस्तान को जेल खाना बना दिया गया था, देश के गणमान्य वरिष्ठ नेता जयप्रकाश बाबू समेत लाखों लोगों को जेल के सलाखों में बंद कर दिया गया था, अखबारों पर ताने लगा दिए गए थे और उन्हें अंदाज नहीं था कि जनशक्ति क्या होती है। लोकतंत्र को कुचलने के ढेर सारे प्रयासों के बावजूद भी इस देश की जनशक्ति का सामर्थ्य था कि लोकतंत्र पुनः प्रस्थापित हुआ। और उस जनशक्ति की ताकत है कि गरीब मां का बेटा भी इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है।